भारत ने जंग छेड़ दी है। सजगता, सतर्कता और भागीदारी के साथ हम इस संक्रमण को भारत से खदेड़ देंगे। देश भर में 21 दिन के लॉकडाउन का ऐलान किया गया है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर पहले जो हमने जनता कर्फ्यू का अभूतपूर्व प्रभाव देखा, एक बार फिर हमारी बारी है। हमें प्रधानमंत्री की अपील को बेहद गंभीरता से लेना होगा, हमें इसका कड़ाई से पालन करना होगा। इस खास कार्यक्रम कोविड पर नजर में हम आपको बताएंगे सरकार के कड़े कदमों के बारे में कि किस तरह से हम तैयार हैं कोरोना के खिलाफ जंग लड़ने के लिए। घबराने की जरूरत नहीं है, पैनिक सिचुएशन बिल्कुल नहीं है, लेकिन #StayAtHomeStaySafe हम आपके लिए यहां पर हैं, जानकारी दे रहे हैं, सटीक जो तमाम जानकारी है वो आप तक मुहैया पहुंचा रहे हैं ताकि आप अपने घर पर रहें और उस चेन को, जिस चेन को हम तोड़ना चाहते हैं उसके लिए जो कारगर कदम उठाए जा रहे हैं वो हम आपको दिखाएं। मैं हूं आंचल गुलाटी गुंबर, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आइए देखते हैं COVID-19 से जुड़ी तमाम बड़ी फास्ट न्यूज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से लॉकडाउन के दौरान दिए गए निर्देशों का सख्ती से पालन करने की जरूरत पर दिया जोर। वाराणसी के लोगों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत में पीएम ने डॉक्टर्स समेत अन्य कोरोना योद्धाओं के खिलाफ बुरा बर्ताव करने वालों को दी कड़ी कार्रवाई की चेतावनी। देश भर में जारी लॉकडाउन के दौरान जरूरी वस्तुओं की उपलब्धता बरकरार रखने के लिए केंद्र और राज्यों ने किए तमाम नए उपाय। गृह मंत्रालय ने ई कॉमर्स कंपनियों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक कर हर मुमकिन मदद देने का दिया भरोसा। COVID-19 के मद्देनजर देश भर के सभी टोल प्लाजाओं से कर संग्रह अस्थायी रूप से किया गया स्थगित। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने लिया ये बड़ा फैसला। देश भर में COVID-19 एक्टिव मामलों की संख्या 553, अब तक 10 लोगों की मौत। महाराष्ट्र और केरल में कोरोना के सबसे ज्यादा संक्रमित मामले। स्वास्थ्य मंत्रालय ने की बिना डॉक्टर के सलाह कोई भी दवाई ना लेने की अपील। कहा देश में COVID-19 के कम्युनिटी ट्रांसफर का अभी तक कोई मामला नहीं। नोवेल कोरोना वायरस से दुनिया के तमाम देश लड़ रहे हैं गंभीर लड़ाई। स्पेन में इस वायरस से मरने वालों की संख्या चीन से भी ज्यादा। इटली भी लड़ रहा है कोरोना वायरस के खिलाफ जंग। देश में कोरोना से मरने वालों की संख्या का जो आंकड़ा है वो 7,500 के पार। अमेरिका में कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या हुई 70,000 के पार, 1,000 से ज्यादा लोगों की मौत। ब्रिटेन में भी COVID-19 से मरने वालों का आंकड़ा पहुंचा 500। प्रिंस चार्ल्स में भी कोरोना संक्रमण की हुई पुष्टि। स्पेन की उप प्रधानमंत्री भी इस वायरस से संक्रमित। सुप्रसिद्ध शेफ फ्लायड कॉडुजा का न्यूयॉर्क में कोरोना से हुआ निधन। तो दुनिया के तमाम देश इस वक्त कोरोना के कहर का सामना कर रहे हैं। COVID-19 के मुद्दे पर कल दिल्ली में GOM की बैठक हुई। इस बैठक में COVID-19 पर अब तक उठाए गए कदमों की समीक्षा हुई है और आगे की चुनौतियों पर चर्चा भी की गई। बैठक में सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ध्यान रखा गया, सभी लोग 1 मीटर की दूरी पर बैठे हुए हैं। बैठक के बाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसे संबोधित करते हुए स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने सोशल डिस्टेंसिंग पर जोर देते हुए लोगों से अपने घरों में रहने की अपील भी की और सलाह भी दी। केंद्र ने कहा कि जो निजी यानी कि प्राइवेट प्रयोगशालाएं हैं उन्हें उन्हीं मानदंडों का पालन करना होगा जो जांच के लिए सरकारी जो प्रयोगशालाएं हैं उनके द्वारा किया जाता है। 118 सरकारी लैब्स हैं जहां पर कि हमारी टेस्टिंग फैसिलिटीज अवेलेबल हैं और इसके तहत हम आज देश में करीब 12,000 सैंपल्स प्रतिदिन करने के लिए तैयार हैं। इसके साथ ही एडिक्वेट ज्योग्राफिकल अवेलेबिलिटी के लिए हमने प्राइवेट लैब्स को जो कि NABL एक्रेडिटेड लैब्स हैं उनको भी हमने कवर किया है।
अब तक 29 लैब चेन्स को इसकी परमिशन दी जा चुकी है और उन लैब चेन के अंडर में अभी अप्रॉक्सीमेटली 16,000 कलेक्शन सेंटर्स हैं, तो जिसके द्वारा भी जो हम कलेक्शन कर पाएंगे और जल्दी से जल्दी ये सर्विसेज प्रोवाइड कर पाएंगे। जो भी ये लैब्स हैं इनको ICMR की जो गाइडलाइंस हैं और जो सैंपल कलेक्शंस के जो नॉर्म्स हैं कि किस किस आदमी का सैंपल कलेक्ट होना चाहिए, किस किस आदमी की टेस्टिंग होनी चाहिए, ये सारे नॉर्म्स इन लैब्स को फॉलो करने हैं। साथ ही इससे पहले भी आपको बताया गया है कि एक दवाई जो है हाइड्रोक्सिल क्लोरोक्वीन, वह दवाई हमने 2 पर्टिकुलर केसेस के लिए ही अलाउ की है जो कि प्रोफाइल एक्सेस के रूप में काम करेगी, जो केवल दी जा सकती है हेल्थ केयर वर्कर्स जो कि सस्पेक्टेड या कन्फर्म केसेस से डील कर रहे हैं या उन कन्फर्म केसेस में जिनमें कि जो उनके फर्स्ट कॉन्टैक्ट है उनको दी जा सकती है। यहाँ मैं फिर से आप लोगों की दृष्टि में लाना चाहूँगा कि जो ये परमिशन दी गई है प्लीज़ इसको इन लोगों के अलावा इस दवाई को कोई ना लें। ये डायरेक्शन बड़ी टेक्निकली डिफाइंड डायरेक्शन है, इसका पूर्णतः अमल हो। तो देश में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के बीच एक अच्छी खबर भी आई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने देश में कम्युनिटी ट्रांसमिशन के एक सवाल के जवाब में कहा कि देश में अभी तक कम्युनिटी ट्रांसमिशन नहीं हुआ, जो कि थर्ड स्टेज माना जाता है। The ICMR looking at over 2,000 samples. Mr. Ganga Khedkar had said that possibly by Tuesday we will get an indication of whether there is community transmission, gauging and studying those samples. Have you all picked up anything just yet on that? I had a discussion with Dr. Ganga Khedkar before coming here and he had clearly told as of now there is no community transmission. चलिए, तो कम्युनिटी ट्रांसमिशन फिलहाल नहीं है, लेकिन जिस तरह से हम जानते हैं कि देश भर में लॉकडाउन है और ऐसे में देश की राजधानी दिल्ली में क्या लोगों को जो उनकी जरूरत की चीजें हैं वो मिल पा रही हैं, इसका जायजा लिया हमारे संवाददाता गिरीश निशाना ने ग्राउंड जीरो से। इन दिनों देश भर में लॉकडाउन है और ऐसे में गली मोहल्ले सोसाइटी तमाम जगह पर पूरी तरह से सन्नाटा पसरा हुआ है। लोग ज़्यादातर अपने घरों में मौजूद हैं ताकि लॉकडाउन का पूरी तरह से पालन कर सकें। सुबह शाम लोग दूध के लिए पहुंचते हैं, ऐसे में मदर डेयरी पर भी आप देख सकते हैं किस तरह से सैनिटाइज किया जा रहा है, क्योंकि काफ़ी संख्या में लोग यहाँ पर दूध लेने के लिए आते हैं। यहाँ पर दूध विक्रेता हमारे साथ हैं, बात करते हैं। सर, किस तरह का आप कार्य कर रहे हैं अभी? हम सैनिटाइज कर रहे हैं, हर एक घंटे बाद जो है सैनिटाइज करते हैं, क्योंकि आप बहुत संख्या लोग आते हैं और जो है बराबर सैनिटाइज कर रहे हैं हम एक घंटे बाद। और हमने डिस्टेंस बना रखा अपना, ये कि एक ही आदमी ऊपर आएगा, एक ही मशीन खोले किस लिए। गली मोहल्लों में तो शांति है, लेकिन क्या है बाजारों का हाल और क्या वाकई में लोगों को मिल रही हैं उनकी जरूरत की तमाम चीज़ें, आइए जायजा लेते हैं। देश भर में केमिस्ट की दुकान खुली हुई हैं, लोग दवाओं के लिए इन दुकानों पर पहुँच रहे हैं। कोई मेडिसिन की कोई इशू नहीं है, कोई शॉर्टेज नहीं है। सप्लाई में थोड़ा डिले हो सकता है पर मेडिसिन की कोई शॉर्टेज नहीं है। हम तो डॉक्टर पेशेंट्स को खुद बोलते हैं आप व्हाट्सएप करिए, मेडिसिन हम निकाल के रखेंगे, आप आइए और लेके जाइए, आप यहाँ पे ज़्यादा खड़े मत होइए। कहीं कोई भीड़ देखने को मिल रही है इन दुकानों पे? भीड़ बहुत कम है और सोशल डिस्टेंस बहुत ज़रूरी है। देश भर में ज़रूरत के सामान की तमाम दुकानें खुली हुई हैं, लोगों का किराने की दुकान खुली हुई है, जनरल स्टोर खुले हुए हैं, कुछ लोग हमारे जाते हैं, पूरा सामान मिल रहा है। और इस दुकान में खासकर यह है कि किसी को मनाही नहीं है, चाहे रात को 3 बजे भी आ जाओ कोई मनाही नहीं है, दुकान में सामान सारा मिल रहा है। दूसरी बात, प्रॉपर तरीके से मिल रहा है, जो भी चाहिए आपको रेट टू रेट मिल रहा है, कोई ज़्यादा नहीं है, कोई काला बाजारी नहीं है, कहीं कुछ नहीं है। कहने वाला ये है कि मोदी सरकार ने जो भी कदम उठाए हैं काफ़ी अच्छे उठाए हैं। और ये भाई साहब कोई भी सामान दे रहे हैं किसी को भी, सैनिटाइजर साथ में हाथ में डालते हुए और वो हाथ धुलवा के सबके, उसके बाद सारा कुछ यूज़ करा के तब कोई भी सामान दे रहे हैं और पैसे ले रहे हैं। सामान की कोई कमी नहीं है, सामान पूरी तरह है, पूरे पर्याप्त मात्रा में है, सामान की कोई कमी नहीं है। लॉकडाउन में लोगों को कैश की दिक्कत ना हो इसको देखते हुए बैंक खुले हुए हैं, तमाम ATM आप देख सकते हैं खुले हुए हैं। इस पर ज़्यादा बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं इंडियन बैंक के मैनेजर निखिले जी। सर, लोगों को दिक्कत ना हो कैश की तो क्या इंतजाम है बैंक? सर, जो हमारी शाखा है, शाखा में जो नियत समय के हिसाब से हमारी शाखा ओपन हो रही है और उसके साथ में हम इंश्योर कर रहे हैं कि किसी को भी नगदी की कोई भी प्रॉब्लम ना हो,
तो जब तक सखा ओपन होती है सभी लोग सखा के माध्यम से अपना लेन देन करते हैं। उसके बाद हमारे यहाँ देखेंगे कि हमारे एटीएम के अंदर दो मशीन लगी हैं। ये मशीन दो प्रकार की, इसको एटीएम कहते हैं, दूसरे वाले मशीन को हम बीएनए कहते हैं, बंच नोट एक्सेप्टर। बीएनए का काम क्या होता है कि जब आप इसमें जैसे बैंक के टेलर में अपने जो पैसे जमा करते हैं उसी तरह से आप बीएनए के माध्यम से भी अपने पैसे को जमा कर सकते हैं, साथ ही साथ अपने एटीएम के द्वारा आप उस पैसे को निकाल भी सकते हैं। तो जो एटीएम और बीएनए 24 घंटे हमारा बैंक और हम इंश्योर कर रहे हैं कि इस लॉकडाउन में किसी तरह से ग्राहक को किसी तरह की कोई भी परेशानी ना हो। पूरी दिल्ली के बाजारों का यही माहौल है, जो भी जरूरत के सामान की चीज़ें हैं वो लोगों को आराम से मिल पा रही हैं। आप यहाँ देख ही सकते हैं, अगर लोगों को आटे की ज़रूरत है तो आराम से उनको आटा मिल रहा है। बाकी अन्य जो भी चीज़ लोगों को ज़रूरत पड़ रही है उसके लिए वो दुकानें खुली हैं, लोग आराम से उन दुकानों पर जा रहे हैं और उन सामानों को खरीद पा रहे हैं। कैमरामैन सुमित नौडियाल के साथ गिरीश निशाना, डीडी न्यूज, दिल्ली। और इसी बात का जिक्र लगातार हम इस मंच के माध्यम से आपसे कर रहे हैं कि जो भी एसेंशियल कमोडिटीज हैं, जरूरत का सामान है, उसकी उपलब्धता सरकार सुनिश्चित कर रही है, जिसका जिक्र हमारे संवाददाता ने भी किया। और आइए आपको फिर से लिए चलते हैं दिलवालों की दिल्ली, जहां की बंगाली मार्केट से हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता अनुज यादव। अनुज, जिस तरह से हम जानते हैं कि लॉकडाउन की स्थिति है और लॉकडाउन की स्थिति में आशंका यही होती है हर एक उस इंसान की जो घर पर है कि मैं जरूरत का सामान कब जाकर खरीद सकता हूं, लगातार सरकार इस मंच के माध्यम से कह रही है कि जो जरूरी चीजें हैं उनकी उपलब्धता सुनिश्चित की जा रही है, केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर काम कर रही हैं। इस वक्त क्या हालात है जहां पर आप मौजूद हैं? उनकी सप्लाई यहां पर लगातार जारी है। हाँ, ये जरूर है कि लॉकडाउन के तहत जितने भी बाकी दुकानें हैं वो सब बंद हैं, और एक अच्छी बात यह है कि लोग जो हैं वो इसका अनुपालन करते हुए भी नजर यहां पर आ रहे हैं। जो बाकी लोग हैं वो अपने घरों से नहीं निकल रहे हैं। यहाँ पर आप देखिए, ये एक फ्रूट मार्केट है, इस फ्रूट मार्केट के अंदर पूरा ये खुला हुआ है, जो लोग आना चाहते हैं वो अपने फ्रूट्स वगैरह यहाँ से खरीद सकते हैं। दूसरी तरफ मैं अगर आपको दूसरी तस्वीरें दिखाना चाहूं तो ये केमिस्ट की दुकानें हैं, दवाइयों की दुकानें हैं, ये यहाँ पर खुली हुई हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो भी लोग हैं वो अपने घरों से निकल कर आ रहे हैं, पैदल निकल कर आ रहे हैं, जो भी आसपास के रिहायशी इलाके हैं वो यहाँ पर अपनी जरूरत की सारी चीजों को ले रहे हैं। यहाँ देख सकते हैं कि एक किराना स्टोर भी है, यहाँ तमाम वो चीजें उपलब्ध हैं जो एक आवश्यक वस्तुओं में जो काउंट होती हैं, यहाँ पर लोग आ रहे हैं। दूसरी तरफ मैं अगर दिखाऊं तो सामने आपको एटीएम भी दिखाई देगा, एटीएम भी यहाँ पर खुले हुए हैं, केमिस्ट की दुकान यहाँ पर खुली हुई है। दूसरी तरफ आप सब्जी देख सकते हैं, आंचल की लोग सब्जी भी यहाँ पर आके ले सकते हैं और कुछ लोग अपने घरों से निकलकर आ भी रहे हैं। एक चीज मैं और देख पा रही हूँ कि सोशल डिस्टेंसिंग जिसका जिक्र लगातार प्रधानमंत्री कर रहे हैं, हमने भी इस मंच के माध्यम से किया, मैं वो सड़क पर गोले बने हुए देख पा रही हूँ कि आप इतने डिस्टेंस पे अगर हैं तो इतने डिस्टेंस से आप खड़े, यानी कि 1 मीटर की दूरी का फासला जो बेहद जरूरी है क्योंकि कोरोना से लड़ना है, उसे हराना है, भारत से बाहर खदेड़ना है, उसका ध्यान भी रखा गया है, जिसकी वानगी गुजरात ने पेश की थी। देखिए बिल्कुल निश्चित तौर पर जिस तरीके से अगर मैं यहाँ जो लोग खड़े हैं मैं अगर इनको भी दिखाना चाहूं तो एक डिस्टेंस मेंटेन किया हुआ है। या आप ये सब्जी वाले भाई को देख सकते हैं और दूसरा जो सब्जी वाला भाई है वो डिस्टेंस यहाँ पर मेंटेन किए हुए हैं। जो यहाँ गोले बनाए हुए हैं, हालांकि बहुत ज्यादा भीड़ अभी आंचल नहीं है इस वजह से लोग गोलों में नहीं है, लेकिन खुद दुकानदार जब लोग ज्यादा आते हैं तो कोशिश करते हैं कि वो लोग यहाँ गोले में जो है 1 मीटर का डिस्टेंस है उसको यहाँ पर फॉलो करें। लेकिन अभी बहुत ज्यादा भीड़ यहाँ पर नहीं है, इस लिहाज से हम देखें तो लोग जो है पूरी अपना जो ख्याल है वो रख रहे हैं। आप हमारे साथ देख सकते हैं कि जो मेडिकल शॉप के जो ओनर हैं वो खुद ग्लव्स भी पहने हुए हैं, वो मास्क भी पहने हुए हैं, जो दूसरे लोग आ रहे हैं वो भी मास्क पहने हुए हैं, और एक जितनी भी हिदायतें दी हुई हैं वो सारी हिदायतों को पूरा किया जा रहा है आंचल। और बाकी मार्केट आप देख सकते हैं कि सारा बंद है, लेकिन जो एसेंशियल चीजें हैं, जो आवश्यक वस्तुएं हैं, वो आवश्यक वस्तुएं लोगों को यहाँ पर मिल रही है और किसी तरह की कोई शिकायत भी लोगों को नहीं है। लेकिन हाँ, एक अच्छी बेहतर तस्वीर आज जो आंचल देखने को मिली है वो तस्वीर ये है कि आपको देखिए कोई फालतू आदमी नजर नहीं आएगा, पूरा सन्नाटा है। लॉकडाउन की जो प्रधानमंत्री
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो अपील की थी उसके बाद फिर से एक बार असर पड़ा है, कोई अपने घरों से नहीं निकल रहा है और ये एक अच्छा संकेत है कि इस बीमारी से, इस महामारी से लोग जो हैं अब मिलकर लड़ने में सरकार का, प्रशासन का आंचल सहयोग दे रहे हैं। बिल्कुल, यही इस मंच के माध्यम से हम आपसे अपील कर रहे हैं। जिस तरह से हमारे संवाददाता ग्राउंड जीरो पर मौजूद है अनुज यादव आपको बता रहे हैं, ये बंगाली मार्केट है, हम सभी जानते हैं दिल्ली की सबसे मशहूर मार्केट जहां पर हमेशा से भीड़ रहती है, लेकिन आज आप इसको देख पा रहे हैं, हमारे संवाददाता के पीछे मैं देख पा रही हूँ ये खाली है और ये कहीं ना कहीं उस अपील का जिक्र है कि हैशटैग स्टे एट होम स्टे सेफ, क्योंकि आपका घर पर रहना आपके परिवार के साथ साथ जो तमाम और लोग हैं उनको भी सुरक्षित रखता है। बहुत बहुत शुक्रिया अनुज, आपके पास वापस आएंगे और जानकारी लेंगे और आप मेरे पीछे भी देख सकते हैं कि किस तरह से आप अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं। यहाँ पर मेडिकल मास्क के इफेक्टिवनेस की बात की जा रही है, डिस्पोजेबल मास्क है और फिर देखिए हम लगातार आपसे कह रहे हैं स्टे एट होम, यानी कि स्टे एट होम स्टे सेफ, आप घर पर रहिए और घर पर रहना आपके लिए बेहद जरूरी है। इसके बाद भी हमने आपको और भी तरीके बताए हैं कि किस तरह से मास्क को यूज किया जा सकता है और सबसे अहमियत की बात यह है कि अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं और आप जो तमाम दिशा निर्देश है सरकार का उनका पालन करते हैं तो आप इस जंग में एक कोरोना वॉरियर की भूमिका निभा रहे हैं और वो वॉरियर जिसको ये जंग जो है वो 21 दिनों में जीतनी है। आइए अब रुक कर लेते हैं राजस्थान का, जहां इस वक्त अगर हम कोरोना की बात करें तो वो गंभीर खतरे से जूझ रहा है। हालांकि राज्य सरकार ने भरोसा दिया कि लॉकडाउन के दौरान भी लोगों को जो जरूरी वस्तुएं हैं उसकी कमी नहीं होने दी जाएगी। इसी का जायजा लिया हमारे संवाददाता विशाल बैरिस्टो ने। जयपुर के बनीपार्क इलाके में हूँ और सुबह के 7 बजे में एक दूध अमूल का कियोस्क है, आप देख सकते हैं यहाँ पर लोग आए हैं, वो अपनी ज़रूरत की चीज़ें ले रहे हैं, पैनिक बिल्कुल भी नहीं है और आज एक काफ़ी चेंज देखने को मिल रहा है, जैसे कि आप देख सकते हैं ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं है। यहाँ पर उन्होंने एक बैरिकेड टाइप से लगा रखा है ताकि आप सोशल डिस्टेंस बना कर रखें और सोशल डिस्टेंसिंग के ज़रिए आप अपनी ज़रूरत की चीज़ों को ले सकते हैं। आप देख सकते हैं अभी सुबह 7 बजे है, मौसम ज़रूर कुछ ख़राब है, रात से बारिश हुई है, आंधी जैसा माहौल है, बावजूद इसके लोग निकल रहे हैं और ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं हो रही है, लेकिन आ रहे हैं डिसिप्लिन के साथ, अपनी चीज़ों को खरीद रहे हैं, एसेंशियल आइटम्स हैं जैसे दूध है उसको यहाँ पर आके खरीद रहे हैं। विशाल बैरिस्टो, ईडी न्यूज़ जयपुर। तो कोरोना वायरस से हमने एक चीज जरूर सीखी है कि किस तरह से हम संवेदनशील हों, अनुशासन प्रिय बने, जैसे कि हम लोग लगातार देखते हैं कि रेड लाइट पर रुकना हो तो हम 10 कम से कम 50 सेकंड भी इंतजार नहीं करना चाहते, लेकिन अब हमें इस वायरस ने यह सिखाया है कि आपको अनुशासन में रहना ही होगा और अनुशासन में रहने के साथ ही आप इस वायरस से जंग लड़ सकते हैं। जब हम इस वायरस से जंग लड़ने का जिक्र करते हैं तो सबके दिमाग में ये बात जरूर सामने आती है कि भाई कैश का क्या होगा, लेकिन लगातार प्रधानमंत्री कह चुके हैं कि आप डिजिटल पेमेंट्स का उपयोग कीजिए, लेकिन फिर भी जिस तरह से हम जानते हैं कि कोरोना को लेकर देश भर में लॉकडाउन जारी है, सरकार की कोशिश है कि खाने पीने की चीजों के समय जो तमाम अन्य सुविधाएं हैं उसकी कोई दिक्कत ना हो। इसी के मुताबिक हमारे संवाददाता, यानी कि अलग अलग जगहों से आपको जानकारी दे रहे हैं, ऐसे में हमारे संवाददाता नीरज सिंह जो हैं वो पहुंचे हैं मेरठ और मेरठ में किस तरह से लोगों को सुविधाएं दी जा रही हैं, किस तरह से लोगों को जागरूक किया जा रहा है, खासतौर पे बैंक किस तरह से काम कर रहे हैं, क्योंकि अगर आपको रोजमर्रा की चीजें खरीदनी है तो उसके लिए पैसे की जरूरत है, किस तरह से बैंक वहां काम कर रहे हैं, चेक डिपॉजिट किए जा रहे हैं, आइए जानते हैं क्या जायजा लिया हमारे संवाददाता नीरज सिंह ने मेरठ में। तमाम जो बैंक हैं वो खुले हुए हैं, वहाँ पर काम हो रहा है, हालांकि जो लोग हैं वो कम ज़रूर आ रहे हैं लेकिन बैंकों को खोला गया है। ये पंजाब नेशनल बैंक है, अगर आप देखें तो यहाँ काम चल रहा है। सबसे पहले कोरोना वायरस का भी ध्यान रखा गया है कि जो चेक वगैरह हैं वो यहीं पर डिपॉजिट कर दें, इसके अलावा जो सैनिटाइज़र है वो यहाँ मौजूद है और जो भी काम है, ज़रूरी काम है, वो यहाँ पर हो रहा है। इसके साथ ही अगर आप ये देखें तो जो एटीएम है, एटीएम खुला हुआ है, ऊपर मैसेज भी दिया गया है कोरोना वायरस को लेकर के सचेत रहें। इसके साथ ही अगर आप बैंक को देखें तो बैंक में भी जो ऑपरेशन है वो चल रहा है लगातार, तमाम जो बैंक के जो लोग हैं वो काम कर रहे हैं ताकि किसी तरह की कोई परेशानी ना हो, लेकिन इतना ज़रूर ध्यान दिया जा रहा है कि कोरोना से बच के रहें और सेफ रहें।
देखिए, कोरोना से बचकर रहना है, बचकर चलना है, सचेत रहना है, चेक डिपॉजिट करना है, सैनिटाइज करना है, फिर चेक को डालना है। अगर आप एटीएम का भी इस्तेमाल कर रहे हैं तो सैनिटाइजेशन, जिसका जिक्र हम इस मंच के माध्यम से करते हैं, इसको आप अपनी दिनचर्या का बिल्कुल हिस्सा बना लीजिए। हाथ अगर आप साबुन और पानी से धो सकते हैं जहां पर इसकी अवेलेबिलिटी है तो आप वो करें, जहां पर आप सैनिटाइजर तो आप अपनी जेब में इस तरह से रखें जिस तरह से कि अब आप रुमाल रखकर चलते हैं। वहीं अगर हम बात करें भारतीय रेलवे की, तो वहां पर जो यात्रियों की गाड़ियां हैं उसकी जो सेवाएं हैं वो अगले महीने की अब 14 तारीख तक के लिए उन्हें रद्द कर दिया गया। इससे पहले ये सभी यात्री गाड़ियां जो थी उनका संचालन 22 मार्च को आधी रात से 31 मार्च तक स्थगित करने की घोषणा की गई थी। ये निर्णय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 21 दिनों के लॉकडाउन की घोषणा के मद्देनजर किया गया। हालांकि जो आवश्यक वस्तुएं हैं उनकी ढुलाई सुनिश्चित करने के लिए मालगाड़ियों का जो संचालन है वो जारी रहेगा। तो जिस तरह से हम जानते हैं जो परिवहन है, सार्वजनिक परिवहन है, उसको रद्द किया गया है। करीबन 21 दिनों का लॉकडाउन है जिसका पालन रेलवे मंत्रालय भी कर रहा है। लेकिन अब बात कर लेते हैं टोल प्लाजास की। तो कोविड 19 के मद्देनजर केंद्र सरकार ने देश भर में सभी टोल प्लाजाओं से कर संग्रह को अस्थायी रूप से स्थगित करने का आदेश दिया है। एक ट्वीट में सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने इससे आपातकालीन सेवाओं की आपूर्ति में तेजी आएगी ये कहा है, और कहा है कि समय की बचत भी होगी। उन्होंने कहा कि सड़कों की मरम्मत जारी रहेगी और आपातकालीन संसाधन टोल प्लाजा पर पहले ही की तरह मौजूद रहेगा। यानी कि अगर अब आप टोल प्लाजा का उपयोग करते हैं किसी बहुत ही आवश्यक कार्य के लिए तो वहां पर उसे स्थगित किया गया है ताकि समय की बचत हो, आपातकालीन सेवाओं के लिए जो सामान चाहिए वो वक्त पर पहुंचे। तो गृह सचिव अजय भल्ला ने कल उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग यानी DPIIT की जो व्यापारी हैं, वाणिज्यिक कंपनियों के साथ लंबी बातचीत की। बैठक में जो आवश्यक वस्तुएं हैं उसमें किस तरह से निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित की जाएगी उसकी चर्चा की गई। विभिन्न राज्यों में ई कॉमर्स कंपनियों की डिलीवरी करने वालों के साथ पुलिस भी अब कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी हो गई है, और यह कहा गया है कि अगर कोई दुर्व्यवहार करता है उसकी बैठक में चर्चा की गई। बैठक में छोटे व्यापारियों के संगठन कैट के प्रतिनिधि भी शामिल हुए। कैट ने एक बयान में कहा, लॉकडाउन की स्थिति में देश भर में आवश्यक वस्तुओं की जो आपूर्ति है वो बेहद अनिवार्य है। तो बैठक में छोटे कारोबारी संगठन कैट के वो शामिल हुए। गृह सचिव की DPIIT व्यापारियों की ई वाणिज्यिक कंपनियों के साथ बैठक हुई, क्योंकि हम जानते हैं कि लॉकडाउन के इस कठिन समय में थोड़ा अनुशासन से काम करेंगे। ई कॉमर्स कंपनियों ने अपनी सारी जो परेशानी है वो दिक्कतें हैं वो पुलिस वो साझा की हैं, और साफ तौर पर दिल्ली पुलिस ने कहा है कि हम आपके लिए हैं। उनके जनसंपर्क अधिकारी मनदीप सिंह रंधावा ने कहा कि जितनी भी ई कॉमर्स कंपनियां हैं उनके कर्मी, क्योंकि वो सप्लाई करने आते हैं और अगर उन्हें दिक्कत आ रही है तो हम उन्हें ई पास इशू करेंगे। पुलिस के जो एजेंट्स हैं वो भी आपकी मदद करने के लिए तैयार हैं। आप जैसे जानते हैं कि जो हमारी ई कॉमर्स साइट्स हैं उनका काफ़ी बड़ा योगदान रहता है, तो अभी उनके साथ मैंने मीटिंग ली है। जो भी उनको दिक्कतें आ रही थी इसमें, तमाम जो हमारी ई कॉमर्स साइट्स हैं जैसे फ्लिपकार्ट हैं, ग्रोफर्स हैं, मामा अर्थ है, स्नैपडील है, फॉर्म इजी है, बिग बास्केट है, जोमेटो है और डिलीवरी प्राइवेट लिमिटेड है, इन्होंने हमारे से दिक्कतें शेयर की हैं जो इनको प्रॉब्लम्स आ रही हैं, जो मूवमेंट में जो एसेंशियल गुड्स है उसकी मूवमेंट के लिए इनको डिटेल में हमने दिल्ली पुलिस जो इनिशिएटिव्स ले रही है उसके बारे में बताया है। जहां इनको कहीं दिक्कत आ रही है उसके लिए इनको पासेस और इशू किए गए हैं, और इनको विश्वास दिलवाया गया है कि जो भी इनके डिलीवरी बॉयज़ हैं उनको हमारा दिल्ली पुलिस का स्टाफ है वो प्रॉपर सहयोग करेगा। तो दिल्ली पुलिस सदैव आपके लिए वो तैयार है। ई कॉमर्स कंपनी के जो लोग थे उन्होंने अपनी दिक्कतें उनसे साझा की और उम्मीद करते हैं कि जो दिक्कतें आ रही हैं उसको लेकर ई पास इशू किए जाएंगे और जो वो कर्मी आपके घर तक पहुंचकर डिलीवरी करते हैं उन्हें भी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। वहीं अब बात करते हैं एम्स के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया के बारे में, जिन्होंने लोगों को सलाह दी कि वो अपने घर में ही रहें, हाथों की सफाई का खास ध्यान रखें, योगा, इंडोर एक्टिविटीज पर खास जोर देते हुए डॉक्टर गुलेरिया ने कहा कि स्वस्थ जीवन शैली और जागरूकता से ही इस वायरस से बचा और लड़ा जा सकता है। घर के अंदर एक एरिया बना लें जहां पे आप घूम के पार्क वॉक कर सकते हो। दूसरा इम्पॉर्टेंट इशू इज मेंटल हेल्थ। इसमें ये बहुत ज़रूरी है कि हम लोगों से सोशलाइज करें, घर के और जो परिवार के लोग हैं उनके साथ इकट्ठे बैठ के बात करें, कुछ इंडोर गेम्स खेल सकते हो, कार्ड्स हैं तो कार्ड्स खेल सकते हो, इकट्ठे बैठ के कोई टीवी पे मूवी देख सकते हो, इस टाइप के कई एक्टिविटीज़ कर सकते हो जिससे आप सोशलाइज भी कर लें। ज़्यादा हुआ तो अपने दोस्तों के साथ फ़ोन पर बात कर सकते हो, चैट कर सकते हो,
जिससे आप अपने आप को बिजी भी रखो, मेंटली स्ट्रांग रखो और इस 21 दिन में फिजिकली और मेंटली स्ट्रांग रहो। योगा जो है वो आप सुबह उठ के सब लोगों को योगा करना चाहिए, मेडिटेशन करना चाहिए। ये हमारे जो मन में योग कोरोना के बारे में और सोचने से जो जो परेशानी है वो भी कम होगी। अब हमारी ब्रीदिंग से हमारी लंग की कैपेसिटी भी बढ़ेगी और ओवरऑल पॉजिटिविटी भी शरीर में आएगी। तो लॉकडाउन से डरना नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको ताले में बंद कर दिया गया। आप अपनी रिक्रिएशनल एक्टिविटीज कर सकते हैं, आप अपने घर में ही गार्डनिंग कर सकते हैं, बच्चों के साथ वो वक्त बिताइए जो कभी आप जब नौकरी पर जाते थे तो वो वक्त आपको नहीं मिलता था। भावनाओं को शेयर कीजिए, माता पिता के साथ बैठिए। ये वक्त जो है कहीं ना कहीं आपको और ज्यादा मजबूत बनाएगा, अनुशासन प्रिय बनाएगा। और जिस तरह से योगा और मेडिटेशन है, जो एक डर, एक आशंका, एक संशय अगर आपके मन में है, उसे मिटाने में बहुत कारगर साबित होगा। तो आप घर पर रहें, क्योंकि आपकी सुरक्षा के साथ साथ परिवार की सुरक्षा भी आप ही से जुड़ी हुई है। और वहीं कोरोना के संकट के मद्देनजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कल टेलीफोन पर बात की। इस दौरान दोनों नेताओं ने कोरोना वायरस की महामारी से उत्पन्न हालात पर अपने अपने विचार साझा किए। दोनों नेता वैश्विक अर्थव्यवस्था पर जो असर है, साथ ही साथ स्वास्थ्य चिकित्सा, वैज्ञानिक शोध और मानवीय मामलों सहित महत्वपूर्ण वैश्विक संकट की सभी चुनौतियों का सामना करने के लिए और अधिक विचार विमर्श और सहयोग करने पर सहमत हुए हैं। प्रधानमंत्री ने रूस में कोरोना वायरस के संक्रमितों की शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। राष्ट्रपति पुतिन ने भी प्रधानमंत्री मोदी को भारत द्वारा कोरोना वायरस से निपटने के लिए उठाए गए कदमों में जो सफलता मिली है उसके लिए और आगे अच्छी कामना की है। वहीं अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक ने सरकारों से कहा कि कोरोना वायरस महामारी से बेहद गरीब देशों को राहत उपाय के रूप में उनके कर्ज भुगतान को कुछ समय के लिए रोक दिया जाए ताकि ये देश इस महामारी से लड़ सके। वॉशिंगटन के विकास से जुड़े इन संगठनों ने संयुक्त बयान में कहा कि विश्व बैंक समूह और IMF को विश्वास है कि ये समय की मांग है कि विकासशील देशों को वैश्विक राहत मुहैया कराई जाए, इससे वित्तीय बाजारों में मजबूत संकेत जाएंगे। और लगातार जिस तरह से हम कह रहे हैं कि भारत इस जंग को लड़ रहा है, एक अग्रणी भूमिका निभा रहा है और इस अग्रणी भूमिका निभाने में मैं, आप, हम सब मिलकर प्रधानमंत्री की अपील का पालन करें, आगे बढ़ें, घर पर रहें। और जिस तरह से विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा है कि जिन देशों ने कोरोना वायरस से लड़ने की क्षमता दिखाई है, अगर हम भारत का जिक्र करें तो उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए अपनी आबादी को लॉकडाउन किया है भारत ने। उन्हें कोरोना वायरस महामारी से निपटने के लिए अपने समय का उपयोग उपाय खोजने में लगाना चाहिए। WHO के महानिदेशक डॉक्टर टेड्रोस एडनॉम ने कहा कि लोगों को घर पर रहने और उनके बाहर जाने पर पाबंदी लगाना एक तरह से स्वस्थ प्रणालियों पर दबाव कम करने के लिए है, लेकिन ये उपाय महामारी से निपटने के लिए काफी नहीं है। साथ ही उन्होंने कहा कि देशों को अपनी स्वास्थ्य देखभाल और सार्वजनिक स्वास्थ्य कार्यबल को बढ़ाने, उन्हें प्रशिक्षित करने और तैनात करने की आवश्यकता है। इसके अलावा हर संदिग्ध मामले का पता लगाकर उसका परीक्षण करने की भी जरूरत है। जिस तरह से लगातार तमाम देश कोशिश कर रहे हैं, भारत भी अपनी भूमिका निभा रहा है और इसकी भूमिका की जो प्रशंसा है वो WHO पहले ही कर चुका है, लेकिन अगर हम चाहते हैं कि उस प्रशंसा को हम और आगे बढ़ाएं तो इसमें हमारी भागीदारी बेहद अहम हो जाती है। वहीं अगर हम दुनिया भर का जिक्र करें तो कोरोना वायरस से मरने वालों की संख्या 20,000 के भी पार हो गई है। इनमें से अधिकतर मौतें यूरोप में हुई। आंकड़ों के मुताबिक वायरस से सबसे अधिक प्रभावित इटली में अकेले 7,503 लोगों की मौत हुई, जबकि दूसरे स्थान पर स्पेन है जहां पर 3,600 से ज्यादा लोगों ने अपनी जान गंवाई है। चीन से इस महामारी की शुरुआत हुई, वहां करीबन 3,287 लोगों की मौत हुई। स्पेन की उप प्रधानमंत्री भी कोरोना वायरस से संक्रमित पाई गई हैं। बात करें तो इटली की, जहां कोरोना वायरस के चलते 24 घंटों में 683 लोगों की जान चली गई और 5,210 नए मामले सामने आए। हालांकि मंगलवार की तुलना में यह संख्या कुछ कम थी। मंगलवार को इटली में कोरोना वायरस के संक्रमण से 743 मौतें हुई थी। इस वक्त इटली में कोरोना से मरने वालों की कुल संख्या 7,503 के पास पहुंच गई है और करीबन 74,000 से भी ज्यादा लोग इस वायरस से संक्रमित पाए गए हैं। लेकिन लगातार हम जानते हैं कि तमाम देश अब अलग अलग तरीके उठा रहे हैं, अलग अलग तरीकों के साथ इस महामारी से लड़ने के लिए आगे आ रहे हैं और हर एक देश चाहता है कि वो इस बीमारी को बाहर खदेड़े। वहीं स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने भी कोरोना वायरस के खिलाफ लोगों से एकजुट होने की अपील की है।
उन्होंने साफ तौर पर कहा कि लोग जागरूक रहें, सामाजिक भेदभाव और डर का जो माहौल बना है वो दुखद है, तो आप मनोबल ना तोड़ें, मत भूलें कि ये लड़ाई एक अनुष्ठान है। ये लगातार कहा जा रहा है, जो कोरोना वॉरियर्स, चाहे वो पुलिस कर्मी है, चाहे वो मीडिया कर्मी है, चाहे वो डॉक्टर्स है, नर्सेस है, पैरामेडिकल स्टाफ है, वो आप तक जानकारी भी पहुंचा रहा है, आपका इलाज कर रहा है, आपका आवागमन सुनिश्चित कर रहा है इस बहुत कठिन घड़ी में। तो उनके साथ अच्छा व्यवहार करें, क्योंकि आपका जो व्यवहार है उनके मनोबल को और बढ़ाएगा, और आपका मनोबल जब बढ़ता है तो आप पूरी ताकत के साथ, पूरी शक्ति के साथ लड़ते हैं इस महामारी से निपटने के लिए। तो इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही। इसी पंक्तियों के साथ हम खत्म करेंगे, हम होंगे कामयाब एक दिन, हमारे मन में होना चाहिए ये पूर्ण विश्वास। इस खास पेशकश में बस इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। यदि आप